हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का। तो आज हम बात करेंगे टोटली सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और मैं कोशिश करूंगा इसके सवाल भी हम करें और राउंडिंग ऑफ को भी आपको समझाऊं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और इसके रूल्स। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके ही फ़ायदा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये क्या है? इन अ मेजरमेंट, नापना, देखें मेजर ऑल रिलायबल नोन डिजिट्स। सही, रिलायबल्स का मतलब होता है जिनके बारे में हम एतमाद हो कि ये पूरा एतमाद हो कि हम इसके ऊपर ये सही है डिजिट। एंड फर्स्ट डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब तो पता है आपको कि इसके अंदर शक हो, हमारे को डाउट हो कि ये सही नहीं है, तो वो डाउटफुल कहलाता है। डिजिट का मतलब तो नंबर होते हैं, आपको पता ही होगा। ये नाम जाने जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से। तो अब ये समझ में नहीं आता इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद, जो आपके पास कन्फ्यूजन आएगी ना वो होगी रिलायबल क्या होते हैं, सही है, और डाउटफुल क्या होते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि रिलायबल क्या होते हैं और डाउटफुल क्या होते हैं। देखिए, एक नंबर लिख दिया मैंने 10.02, सही है, या मैं लिख देता हूँ 10.24। क्या लिख देता हूँ? 10.24। तो आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, देखें 10.24, सही है। अब यहाँ डेफिनेशन के ऊपर गौर करेंगे हम। देखें रिलायबल, अब यह एंड वाला जो मैंने लिखा है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसका मतलब है कि जो आखिरी वाला फर्स्ट ये डाउटफुल होगा। कौन सा होगा? ये वाला जो डिजिट होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। और ये वाले 10.2 वाले ये हो गए रिलायबल। क्या हो गए? जिन पे हम एतमाद कर सकते हैं ये सही है। जब भी आप लंबाई नापते हैं तो 10.2 10.3 ऐसे की कुछ आ रही होती है तो ये हम लोग रिलायबल मानते हैं। इसके आगे 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये कन्फ्यूजन डाउट है हमारे को। कौन सा? जब भी हम इसको डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स है, उनका क्या मतलब है। ये सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो इनको ज़रूर समझिएगा। ये पेपर में आते हैं तो ये एमसीक्यूज के अंदर ज़रूर आता है, हर साल एक एमसीक्यूज तो आता ही है। तो समझिएगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल्स आते हैं, इसके देखें, पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, अब समझ में आएगा क्या बोला है इन्होंने, अब देखते जाएं। देखें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सही है, नॉन जीरो, सही है, जो जीरो ना हो। नॉन जीरो से क्या मुराद है? जीरो ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1000, सॉरी जीरो ना हो, 1, 2, 3, क्या है? मैंने लिखा 1, 2, 3, अब ये बताओ इसके अंदर कोई ज़ीरो है? आप बोलेंगे नहीं। तो देखें, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा 9 तक की गिनती, 1 से लेकर 9 तक में ज़ीरो नहीं आता, बाकी आगे वाले 10, 11, 12 तो उनके बीचों में आ रहा होता है ज़ीरो, सही है, जैसे 20, 30, 1000, 2000 तो ज़ीरो आता है, लेकिन 9 तक के जो नंबर है उनके अंदर ज़ीरो नहीं आ रहा होता, तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। और ज़ीरो कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये रूल देख के आप लोग समझ जाएंगे कहाँ कहाँ ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ नहीं होगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, सब क्लियर करूँगा आज मैं। देखें ये ऐसे कि ये हो गया, उसके बाद ये हो गया 5, 6, 7, ये हो गया 598, ये हो गया, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसके अंदर कितने हैं? 3। इसके अंदर कितने हैं? 3। अब यहाँ ले लेते हैं 1500, ये आ गया, ये कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे पता करना होता है आप लोगों को। क्यों, आप लोगों को क्लियर हो गया? ये इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा, फिर समझा देता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं कि ज़ीरो नहीं आना चाहिए इन डिजिट्स के अंदर। क्या नहीं आना चाहिए?
जो जीरो नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट हो गया। क्या हो गया? जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दे दी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 9, 8 और उनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये भी बता दिया, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3 है, उनमें भी 3 है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट को क्लियर करने। देखिए जीरो बिटवीन ऑल नो, थोड़ा सा मिट गया है, मैं इसको लिख देता हूँ वापस सही करके आप लोगों के लिए ताकि आप भी इसको नोट कर सकें। सो ऑल मैं आपको क्लियर करता हूँ, रुक जाए एक सेकंड के लिए। देखें क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट, देखें ये बोल रहा है कि जीरो बिटवीन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। भाई देखें अब जीरो तो आ रहा है ना इसके अंदर आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जीरो आएगा कहाँ पर, बिटवीन में। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। तो अब एग्जांपल दूंगा तो फुल पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखें क्या एग्जांपल है, अब देखें एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। देखें 2003 2003 उसके बाद आता है 203 203 306 307 ये 3076 सही है 3076 ये आ गया। अब देखें समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि इन चारों जो मैंने एग्जांपल दिए ना इनके अंदर ज़ीरो बीच में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बिटवीन में आ रहा है। देखें बिटवीन में आ रहा है, टू एंड थ्री के बिटवीन में, टू एंड थ्री के बिटवीन में, थ्री एंड सिक्स के बिटवीन, दरमियान, इसको दरमियान में आ रहा है ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होगा? सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट? 1, 2, 3, 4 इसके अंदर कितने हैं? 4 इसके अंदर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर कितने हैं? 3 इसके अंदर कितने हैं? 3 इसके अंदर कितने हैं? 4 उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर आ गया है, क्लियर हो गया है। तो देखें ज़ीरो बिटवीन का मतलब है ज़ीरो दरमियान में आना चाहिए, ना तो साइड में ना तो शुरू में। सही है, अभी मैंने उन पॉइंट्स के ऊपर भी जाना है जिसमें शुरू में आ रहा होगा वो उनका क्या होगा, जिनका एंड में आ रहा होगा उनका क्या होगा, सब क्लियर होगा इसके अंदर। अभी इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दें कि ज़ीरो बिटवीन में आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आगे तीसरा पॉइंट क्या बोलना चाहता है वो भी पढ़ लेते हैं। ये बोलना चाहता है कि ऑल लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। देखिए लीडिंग का मतलब होता है शुरू में क्या होगा, अगर ज़ीरो शुरू में है ना, शुरू में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। देखिए जी ब्लू से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल 0.103 क्या है, 0.103 0.123 0.567 ऐसे देखते जाएँ चलता रहेगा, ऐसे एक और लिख देता हूँ 0.5670। भाई देखें समझने वाली बात है कि इसके अंदर लीडिंग ज़ीरो, लीडिंग जो लीड कर रहा है जहाँ से शुरू हो रहा है ये हमारा लीडिंग ज़ीरो है, ये लीडिंग है, ये लीडिंग है, लीडिंग तो शुरू में आने वाला ज़ीरो। देखें क्या है कि 0.103 कोई भी पूछे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रखना ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होगा जो भी शुरू से स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन, सॉल्व कर देते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखें इसके अंदर 0, 103 के बीच बिटवीन में आ रहा है, रूल पढ़ा था बिटवीन में जो भी ज़ीरो आएगा सिग्निफिकेंट होगा, तो मतलब ये ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी ये 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितने हैं? 3। ये भी देखें ये क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, 1, 2, 3 नॉन ज़ीरो है, तो ये भी 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी 0 से है, ये कितने हैं? 3। इसको देखेंगे तो 0 एंड में आ रहा है ना, पॉइंट के बाद आने वाला 0, पॉइंट के बाद आने वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है, चाहे वो आखिरी में ही क्यों ना हो, पॉइंट के बाद होना चाहिए। मेन चीज़ है पॉइंट के बाद, पॉइंट नहीं है, पॉइंट से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। नोटेड डाउट दिस पॉइंट। देखें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 उम्मीद है कि ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट हमसे कहना चाहता है कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस हैविंग डेसिमल पॉइंट।
हैविंग का मतलब इनके पास है, आर सिग्निफिसेंट। अब ये कन्फ्यूजन वाली बात जो आ रही होगी ना, वो आ रही होगी ट्रेलिंग। क्या हो रही होगी? ट्रेलिंग। भाई देखें, एक तो होता है लीडिंग जहाँ से शुरू हो रहा हूँ, एक होता है ट्रेलिंग जो आखिरी में आ रहा हो, जीरो आखिरी में जो जीरो आ रहा है। ये एग्जांपल इसके लिए आएगी, ये एग्जांपल इसके लिए। देखें फॉर एग्जांपल ई डॉट जी, सही है? यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल के बोलते हैं हम। ये देखें वन जीरो से शुरू करूँगा, 0.1230 आखिरी में आ रहा है, तो ये मैं बोलूँगा ट्रेलिंग जीरो। क्या होगा ये? ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलूँगा इसको? ट्रेलिंग जीरो, क्योंकि आखिरी में आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो इसको बोलेंगे हम। और ये सिग्निफिसेंट है, इसके मुताबिक क्या है ये? सिग्निफिसेंट। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। क्योंकि जीरो तो हमने बोला ना कि जीरो अगर शुरू में होगा तो वो जीरो काउंट नहीं होगा, सिग्निफिसेंट फिगर नहीं होगा। देखें आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं क्या होगा। देखें 1.2630 ये कितने सिग्निफिसेंट फिगर है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है, ये मेन पॉइंट है। पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो है ना तो वो ज़ीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट से पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिसेंट फिगर होगा। तो 1.263 और आखिरी ट्रेलिंग जीरोस वो भी सिग्निफिसेंट होंगे, लेकिन डेसिमल से आगे वाले, डेसिमल से पहले वाले सिग्निफिसेंट फिगर ज़ीरो नहीं होंगे। सही है? ज़ीरो सिग्निफिसेंट फिगर नहीं होंगे, डेसिमल से पहले होंगे। जैसे कि यहाँ डेसिमल से पहले है तो वो सिग्निफिसेंट फिगर नहीं है। तो पॉइंट को एकदम ध्यान में रखें, बार बार पढ़ें तो आपको, अगर ये वीडियो बार बार देखेंगे एक एक महीने बाद, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देखते ही बता सकते हैं कि क्या है। वैसे इतना हार्ड तो टॉपिक नहीं है, तो ये आसान ही है रूल तो। देखिए अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो हमसे कहना चाहता है कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग का मतलब तो आ गया, या ट्रेलिंग का मतलब समझ गए होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन क्या है वो पढ़ते हैं। हैविंग नो डेसिमल पॉइंट, उनके पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, आखिरी जीरो तो है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखें कोई भी चीज़ समझ नहीं है, मिसाल ज़रूरी है वो दे देता हूँ फटाफट, एक सेकंड का काम है मेरा। तो देखें ई डॉट जी लगा दिया हमने, फॉर एग्जांपल देखें 1,000, 3,500, 10,000। देखिए तो मैंने आपके लिए ला दिया ये कंडीशन। देखिए ट्रेलिंग जीरो, वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी बैक। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर दें तो बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए ट्रेलिंग जीरोस आखिरी में तो आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरो सही है, लेकिन वो बोल रहा है कि जो ट्रेलिंग जीरो है यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। याद रखिएगा इन नंबरों के डेसिमल पॉइंट पता है कहाँ होते हैं? आखिरी में, यहाँ रुका होगा ये, यहाँ रुक रहे हो गए, ये हम लोग मानते हैं कि आखिरी में इनका पॉइंट होता है, सही है? लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोस पता है क्या है? क्या है? आखिरी में आ रहा है, 1, 2, 3 है ये। ये ट्रेलिंग जीरो जो आखिरी में आ रहे हैं ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ 2 जीरो आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ 4 जीरो आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये रूल है, इनको याद रखें कि ट्रेलिंग जीरोस जिनके पास डेसिमल पॉइंट ना हो, यहाँ डेसिमल पॉइंट था, उसके बाद आ रहा था, पहले आ रहा था जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं था। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरोज है, ये तो डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोज थे ना, सही है? ये डेसिमल के बिना है, यहाँ डेसिमल नहीं है फिर भी ट्रेलिंग जीरो तो है ना। तो ये जो 3 जीरो है, चाहे 5 जीरो हो, 1,000 जीरो हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होना चाहिए जब की बात कर रहा हूँ मैं, डेसिमल पॉइंट मौजूद है उसके बाद जीरो से तो वो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। तो ये मेरा मेन पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर कितने हैं जवाब दे दिया होगा 2, इसके अंदर ये भी जवाब मिल गया होगा मेरे को अल्लाह के हुक्म से 1, समझ गए? ये पॉइंट ही है वाले 5। अब आखिरी इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान सा पॉइंट है, कर लेते हैं।
द नंबर अदर देन पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, सिर्फ पावर 10 को हटा दो, बाकी जो भी नंबर हो गए सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्या बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखें क्या बोला जा रहा था ये, देखें इसका मतलब है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 12, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। अब समझाता हूँ मैंने ये क्या करा। इसका मतलब है ये 10 लिखा हुआ है ना जहाँ जहाँ, सही है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अपने दिमाग में बिठा लें, सही है, दिमाग में बिठा लें इस बात को। एक और लिख देता हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्या लिख रहा हूँ 2, सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं होगा। ये जो चीज़ है इन सब के अंदर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। बाकी जो इनकी चीज़ है, ये नंबर्स है, डिजिट्स हैं, ये सिग्निफिकेंट है। कितने, एक और दो, कितने, दो, ये कितने हैं, दो, ये कितने हैं, दो। तो इसका मतलब ये समझ में आया, सिर्फ पावर वाले 10 वाली पावर की 10, ये बेस है हमारी, इसकी पावर 2 है, तो ये जो पूरी चीज़ है ये सिग्निफिकेंट फिगर में जबते हैं नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, ये जी, बाकी इससे पहले वाली चाहे जितने भी नंबर हो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, सब क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं राउंड ऑफ के, अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। सो यहाँ पर अब आपको सीखना है कि किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स हैं एंड यू हैव टू लर्न इट, आपको ये सीखने हैं। एंड मैं आपको बता दूँ आप कैसे करना है। सबसे पहला रूल, अगर लास्ट डिजिट आप दोस्तों को पता होगा, लास्ट डिजिट जो सबसे आखिरी में आ रहा है, इस ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा होगा, ड्रॉप ऑफ हिज दिस डिजिट, उस डिजिट को ड्रॉप कर दें एंड इंक्रीज रिमेनिंग डिजिट बाय 1। मेरे को जहाँ तक जानता हूँ थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो अब पूरा क्लियर करेंगे अब जो मैं कराऊंगा। देखें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखें अगर लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 1 ना, ये बोला है, कंडीशन क्या है ये है, तो हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं 5 से बड़ा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। चले भाई, ये हमारी एक कंडीशन बन गई, क्या बन गई, अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखें सबसे पहले यहाँ देखें कि आखिरी वाला, ये भी 7 है ना, ये भी क्या है 7, और जो लास्ट डिजिट है वो जो लास्ट डिजिट कौन सा है 7, ये 5 से बड़ा है ना। आप बोलेंगे यस सर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि इसको काट दो। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप कर दो, ड्रॉप का मतलब क्या, हटा दो, छोड़ दो। देखें जब मैं इस 5-7 को हटाता हूँ, 5 से बड़ा है तो 7 को हटाता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो इससे पहले वाला नंबर को एक नंबर से बढ़ा दो, इसका मतलब 1.68। 7 से बड़ा नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 8 सर, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर 8 ही तो लिखा है मैंने भी इसका। अब अगर मैं चाहूँ इसको और राउंड ऑफ करना, वो भी आसान है मेरे लिए। देखें ये बताएं कि ये 8 5 से बड़ा है, आप बोलेंगे यस सर 5 से बड़ा है 8। देखें रूल वही है, 8 को काटो, 6 को एक नंबर बढ़ा दो, एक नंबर बढ़ाने से क्या मुराद, 6 से आगे क्या नंबर आता है 7 आता है, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा 8 को काटो तो ये बन जाएगा 1.7। सही है, इसको मैं चाहूँ तो एक सिग्निफिकेंट पे भी कर सकता हूँ। कैसे भाई, देखें ये 7 है, क्या है ये 7, 5 से बड़ा है, आप बोलेंगे यस सर 5 से बड़ा है 7। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, सही है, और 1 को किससे बढ़ा देंगे, 1 को 1 से प्लस करके 2 कर देंगे। 1 से बड़ा एक नंबर क्या होता है, सीधा सीधा 2 आएगा 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 2। बस एक तक राउंड ऑफ, लेकिन आपको सवालों में ना बोला जाएगा कि 1 सिग्निफिकेंट तक करो, 2 सिग्निफिकेंट तक करो, 3 सिग्निफिकेंट तक करो, जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक करेंगे।
फिकर नहीं करें, अभी मैं इसके सवाल आपको सॉल्व करवाऊंगा, बस ये अभी मैं समझा दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सवाल, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे, आपका क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वॉच फुल वीडियो से। अगर यहाँ पर लिखा हुआ अगर, इसको पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट को समझाना। अगर फाइव देखें, जल्दी जल्दी समझाऊंगा ताकि टाइम बचे, लेस देन फाइव, कंडीशन वही है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, सिर्फ क्या कर रहे हैं कि आखिरी वाला डिजिट यहाँ पर क्या था, फाइव से बड़ा था, फाइव से बड़ा था आखिरी वाला डिजिट, अब इसके अंदर आखिरी वाला डिजिट फाइव से छोटा होगा, और फाइव से जब छोटा होगा तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, फिर सिंपल लिख देंगे। अब ये मैं कह सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, पूरा क्लियर नहीं हुआ, अब मैं कर देता हूँ पूरा क्लियर। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ ले लिया 1.674, सही है, तो अब मुझे ये बताएं, ये आखिरी डिजिट है ना, लास्ट डिजिट बोलते हैं इसको हम, ये बताएं कि ये फाइव से छोटा है या बड़ा, तो आप बोलेंगे सर ये फाइव से छोटा है, लेस देन फाइव है, तो इसके लिए रूल क्या था कि इसको काटेंगे ना तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो बढ़ाया जाएगा ना तो घटाया जाएगा, तो अब क्लियर होना शुरू हुआ सर, यही बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस फोर को काट देता हूँ, इस काटने के बाद मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, सेवन को लिखे रहन दूँगा, क्योंकि फोर कट गया, रूल था लास्ट डिजिट फाइव से छोटा होगा, सही है, फाइव से छोटा होगा तो आप उसको काट के जो डिजिट लिखा हुआ है इसके बाद रिमेनिंग, बाकी जो डिजिट बचा है सेवन, उसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, सेम रहने देंगे जैसा था। अब वही कंडीशन यहाँ वन तक राउंड ऑफ कर लेंगे हम सपोज कर रहे हैं, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। देखें अब ये सेवन लास्ट डिजिट है, क्या है ये सेवन, अब लास्ट डिजिट है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सेवन फाइव से बड़ा है, ग्रेटर देन फाइव, आप बोलेंगे यस सर फाइव से बड़ा है, वही रूल पुराना वाला रूल, क्या था, सेवन को फाइव से बड़ा है ना, तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका जो बराबर वाला रिमेनिंग डिजिट सिक्स है, तो उसको क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, सिक्स से बड़ा क्या होता है सेवन, तो ये आ जाएगा सेवन। अब फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सेवन फाइव से बड़ा है, तो आप बोलेंगे यस सर सेवन फाइव से बड़ा है, सही है, तो फाइव से बड़ा है तो वही रूल, इसको काटेंगे तो इस वन को एक टाइम बढ़ा देंगे तो टू आ जाएगा। तो उम्मीद है कि दोनों तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए, और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे सवालों को सॉल्व करते वक्त। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं आखिरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको सीखना ज़रूरी है, ये तो आसान थे, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, अब आएगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, हल्का था बोलते ना वो है डिफ़िकल्ट, ये बस यहाँ लिखा हुआ है अगर द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ फाइव, अगर फाइव है तो मैं आपको समझाता हूँ, दे आर टू कंडीशन फॉर दिस कंडीशन, इस अगर फाइव लास्ट डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट हमारा अगर फाइव हुआ तो ये, तो उसको ड्रॉप करने के दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन, सही है, कंडीशन नंबर वन, अगर बाकी वाला डिजिट, मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने एग्जांपल दी हुई है, तो मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ कि ये एग्जांपल है, ये क्या है एग्जांपल, अब क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो अगर हमारा रिमेनिंग डिजिट क्या होता है, सही है, ये देखें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई, अब मैं क्लियर करता हूँ, इंग्लिश को हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, उर्दू में समझाता हूँ। देखिए ये फाइव कौन सा डिजिट है, लास्ट, सही है, अब जब मैंने फाइव को काटूंगा ना, इससे पहले जो डिजिट होगा उसको मैं बोलूँगा रिमेनिंग, क्या बोलूँगा, रिमेनिंग डिजिट, ये रिमेनिंग डिजिट मैं आपसे पूछता हूँ कि ये थ्री ऑड नंबर है या इवन नंबर है, सो आपका जवाब होगा कि ये एक ऑड नंबर है, थ्री क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर शुरू में क्या होता है, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, तो ये होते हैं ऑड नंबर्स, सही है, तो ये फाइव से जो पहले है नंबर रिमेनिंग डिजिट हम इसको बोलते हैं, ये थ्री है और ये ऑड है, तो ये कंडीशन क्या बनती है कि जब भी हम फाइव को काटेंगे तो उससे पहले वाला रिमेनिंग डिजिट एक नंबर इंक्रीज होगा अगर वो ऑड है। कंडीशन क्या है, फाइव से पहले वाला मतलब रिमेनिंग डिजिट, जैसे कि थ्री है,
यहाँ पर टू भी हो सकता था, अगर इवन होता तो कंडीशन नंबर टू इस्तेमाल होती, वो अभी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी कंडीशन नंबर वन क्या है, फाइव से पहले वाला नंबर अगर ऑड होगा तो जब हम फाइव को काटेंगे तो जो पहले वाला नंबर है वो एक नंबर इंक्रीज किया जाएगा। थोड़ा बहुत क्लियर किया, अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अभी फिक्र नहीं करें, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ एक और दफा क्या ये आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए लेकिन इसको आगे बढ़ा देता हूँ, पहले क्या हुआ, लेकिन ये फाइव को मैंने यहाँ काटा, ये थ्री को मैंने एक नंबर इंक्रीज किया, थ्री को इंक्रीज करूँगा तो फोर हो जाएगा, थ्री के बाद क्या आता है फोर, 6.4 हो गया। 6.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर से मैं आपसे पूछता हूँ, तो दो, यहाँ कितने थे तीन। अब इसको और क्लियर करता हूँ, देखिए एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, सिक्स को छोड़ देते हैं 7.95, सही है, क्या ले रहा हूँ 7.95। अब मैं फिर आप लोगों से पूछूँगा कि फाइव से पहले वाला रिमेनिंग डिजिट इवन है या ऑड है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कि वो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, सही है। तो कंडीशन कौन सी इस्तेमाल होगी, दिमाग में आ जाना चाहिए, सर ने बताया था कि फाइव से पहले अगर कोई ऑड नंबर होगा तो फाइव को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसके पहले वाला रिमेनिंग डिजिट होगा वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। यही बोला था मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला था, यही बोला था भाई मैंने तो। नाइन से बड़ा आ जाता है टेन, क्या आ जाता है नाइन के बाद क्या आता है टेन। याद रखिएगा ज़ीरो को हटाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ज़ीरो नहीं लिखो काट दो, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ज़ीरो हो तो ऐसे ही हटा दो, कोई मसला नहीं है। देखें 7.1 ये हो गया हमारा राउंड ऑफ हो गया, क्या हो गया ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या बोलना चाहती है हमसे। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो रहा होगा, फिक्र नहीं करें, अभी सवाल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो कंडीशन टू है वो बोलती है अगर जो हमारा रिटेन जो बाकी वाला जो डिजिट है, सही है, फाइव से पहले वाला रिमेनिंग डिजिट जिसको हम बोल सकते हैं ये इवन होगा, क्या होगा इवन, तो क्या होगा कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, अगर फाइव से पहले रिमेनिंग डिजिट जिसको हम बोलते हैं वो अगर इवन होगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए फाइव है, इससे पहले नंबर जो मैं पूछूंगा वो क्या है, टू इज़ एन इवन नंबर, एक इवन नंबर है। फाइव को जब मैं राउंड ऑफ करता हूँ इस वाले को तो ये मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं टू है, सही है। और इवन नंबर के शर्त है कि टू है ना, इवन नंबर है कोई भी, तो आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ना तो कम करेंगे ना तो बढ़ाएंगे, सिर्फ उस डिजिट को लिखे रहने देंगे जो था रिमेनिंग। तो 6.2 वैसे ही आ गया, फाइव को हटाया बस, तो एक दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसके अंदर तीन थे। तो भाई इतनी सी बात थी, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। चलते हैं सवाल सॉल्व करने सिग्निफिकेंट फिगर्स के। आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पता होना ज़रूरी है। ये सवाल सॉल्व करने के बाद मैं इतना तो समझ जाऊंगा कि आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं सिग्निफिकेंट के फिगर्स के हवाले से। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एडिशन से। ये एडिशन का जो मैं बताऊंगा वो हर सवाल के लिए सेम होगा, सही है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होगा, ये वाले सवालों में क्या करना है वो सब समझाऊंगा, देखते रहें। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ बेसिक कैलकुलेशन से यहाँ पर कैलकुलेशन पॉइंट में है तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, सही है। अब यहाँ देखें, सबसे पहला हमारे पास सवाल है 23.467, उसके बाद प्लस 15.1, कितना है, इनको प्लस करने के बाद क्या, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आए, सही है, मैं पहले आंसर लिखता हूँ फिर समझाता हूँ कि कैसे करना है राउंड ऑफ, है ये। तो ध्यान से एकदम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 23.467 प्लस
15.1 ये बराबर होता है 38.567, सही है, इसके बराबर होता है। अब बात ये आती है इनके अंदर कि हमें राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है। यहाँ आके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। करना क्या है, सवाल पे गौर करना है। देखिए आपको देखना है कि आपके इसके अंदर किसके अंदर, दोनों में से, सही है, दोनों में से किसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही राउंड ऑफ करना है। देखिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। इसी तरह 15.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो हमारा आंसर मिल गया, हमें इसको राउंड ऑफ करना है इस आंसर को 3 डिजिट तक, सही है, 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। 3 मतलब क्या, 1, 2, 3, यहाँ तक राउंड ऑफ करना, मतलब हमारे को 6 और 7 नहीं चाहिए। वही रूल, राउंड ऑफ का रूल जो मैंने सिखाया था। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। भाई देखें फिर पूछूंगा लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे यस सर 5 से बड़ा है। 5 से बड़े का रूल था कि हम लोग क्या करते हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे और जो इससे पहले वाला नंबर है उसको एक नंबर बढ़ा देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा तो ये बन जाएगा 38.57। बिल्कुल सही करा, क्या सोचते हैं, सही करा भाई, क्यों, 5 से बड़ा है, काटेंगे तो इससे पहले वाले नंबर को एक डिजिट बढ़ा देंगे, 6 है तो 7 कर देंगे। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी एक और राउंड ऑफ करना पड़ेगा 7 को भी। देखें फिर पूछूंगा 7 किससे, 5 से बड़ा है क्या, तो आप बोलेंगे 7 5 से बड़ा है सर, तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले नंबर को एक डिजिट बढ़ा देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, हमारा जो बनेगा वो बनेगा 38.5 है तो क्या हो जाएगा, 6, तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि इससे और क्लियर हो गया होगा राउंड ऑफ कैसे करना है एडिशन के वक्त। शुरू का रूल याद रखें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों में कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। सवाल में जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, सही है, उतना ही आपको राउंड ऑफ करना है, ये बात अपने जहन में बिठा लें। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, सही है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को सबसे पहले लिख के दिया हुआ 13.52 माइनस 13.247। इसका जो आंसर आ रहा है, तो सबसे पहले मैं सवाल उतार लूँ, मैंने आपको बताया था सवाल पहले उतारा करें, तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 13.52 माइनस 13.247 बराबर आ रहा है 17.273, सही है। तो अब यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करने का सवाल पैदा होता है, फिर वही कि कम सिग्निफिकेंट किसके अंदर है, 13.52 में या 13.247 में। तो 13 गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है तो टेंशन की तो बात ही नहीं है, 5 है इसके अंदर, जीरो है, सही है, लेकिन याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 3 के बाद आ रहा है, बिटवीन में आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया इसके अंदर, सही है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4। तो सबसे कम इन दोनों में किस में है, 4, पहले वाले में 13.52 में। तो इसको हमें 4 तक राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब 3 को हटाना है। वही रूल लगाएंगे जो हमने सीखा था अभी राउंड ऑफ का, क्या करेंगे, 3 को जब हटाएंगे, सबसे पहले पूछ लेता हूँ कि 3 5 से छोटा है, आप बोलेंगे यस सर 5 से छोटा है, 5 से छोटा होता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करते, तो हमारा आंसर जो बनेगा 17.27 बन जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी। आगे चलते हैं, अब आएगी असली, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी आसान है, कन्वर्जन आनी चाहिए बस इस सवाल के लिए, क्या आनी चाहिए, कन्वर्जन। डायरेक्ट ऐड करना नहीं शुरू हो जाइएगा, सबसे पहले कन्वर्जन, फिर ऐड, फिर रूल्स पे चलेंगे। देखें भाई सबसे पहला वाला हमारे को दिया हुआ 3.4 मीटर, आई थिंक ये आपको सही दिख ना रहा हो, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ थोड़ा सा सवाल, ताकि आप वहीं पर करवाऊँगा, लेकिन सवाल मैं यहाँ उतार देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो 3.4 मीटर है
96.3 सेंटीमीटर है और प्लस करना है 744.2 मिलीमीटर। क्या करना है? मिलीमीटर। अब देखें, आपको बेसिक कन्वर्जन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो मैं आपको दे देता हूँ, फिक्र नहीं करें। देखें, सबसे पहली यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए, वहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि धूप की वजह से कुछ हो रहा हो, नज़र ना आ रहा हो, तो यहाँ करवा रहा हूँ कन्वर्जन, सही है। देखें, याद रखिएगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन थी, आपको आनी चाहिए। अब कन्फ्यूजन ये पैदा होती है स्टूडेंट्स को जब हम कन्वर्जन करते हैं, सही है। ये देखें, 9, अभी हमें मीटर को चेंज नहीं करना, हमें छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट की तरफ ही ले जाना है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि मैं आपसे अगर पूछूं कि सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है या मिलीमीटर, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया होगा कि सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा यूनिट है, जब भी मैंने इसको पहले लिखा, उसके बाद में मिलीमीटर आ रहा है। देखिए, जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। इस बात को जहन में बिठा लें कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते वक्त डिवाइड करना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हुए मल्टीप्लाई करना है। कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो अभी बता देता हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन है, सही है, हमारा अभी क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रख के काम करेंगे ना सब। देखें क्या है, करवा रहा हूँ कन्वर्जन यहाँ पर, बाकी सवाल वहाँ सॉल्व करेंगे। देखें, कन्वर्जन क्या है कि 744.2, सही है, ये इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना किससे, ये कन्फ्यूजन होती है सबसे बड़ी। इसी 10 से डिवाइड करना है आपको, क्यों, क्योंकि हम लोग तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, हमें कन्वर्जन पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर की वैल्यू है, इसको डिवाइड करो 10 से, इसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, सही है, इसी नंबर को। उसी के बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को चले जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे को सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा, किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में। तो आंसर बता देता हूँ आपको, क्या मिल रहा है, 744.2 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास जो आंसर आया है दोस्तों स्टूडेंट्स, 74.42, दिस इज़ अवर आंसर, सही है। इस तरीके से आप यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, यूनिट क्या लगाऊंगा, सेंटीमीटर, कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, टेंशन थोड़ी हल्की हुई। अब देखते हैं, अब हमें जाना है इस सेंटीमीटर से मीटर के अंदर, किस में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में। देखें, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कन्वर्जन पता है, कन्वर्जन मेन चीज़ होती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हमारे पास ये 74.42 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये 100 था तो मैंने इसी 100 को डिवाइड कर दिया 100 से, ओ इसी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है 100 से, तो यहाँ पर आंसर आया 0.7442 मीटर। अब ये किस में चले गया, मीटर में। अब इसको भी कर लेते हैं 96.3 को, तो 96.3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमें आंसर देगी, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट 96.3 डिवाइडेड बाय 100, तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 0.963 मीटर। तो अब दोस्तों, अब ये सवाल आसान हो गया, वही है, प्लस करो, सिग्निफिकेंट फिगर वही है, सब सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। देखें, इन कन्वर्जन को आपको करना पड़ेगा उस वक्त, सही है, तो मैंने तो यहाँ कर दी, तो आपको तो नहीं करना ना, आपको तो सवाल के वहाँ करना है, मैं नहीं करूँगा, मैंने लिख दिया है, मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा, तो 3.4 मीटर प्लस उसके बाद यहाँ पर 0.963 मीटर, उसके बाद प्लस
0.7442 मीटर, तो ये बराबर होगा, सही है। तो मैं बता देता हूँ, 3.4 प्लस 0.963 प्लस 0.7442, तो व्हाट विल बी द आंसर, 5.1072। क्या आएगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 5.0172। तो ये आ रहा है हमारा आंसर, फोर ईयर, एक गलती हो गई, 5.1072 आएगा, क्या आएगा, 1072। भाई ये राउंड ऑफ का जो चक्कर है, सही है, इसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है सवाल से पता चलेगा, सही है, कितने डिजिट है इसके अंदर, सही है ना, क्वेश्चन तो यही आएगा। अब देखें, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके अंदर हो गया उतना ही राउंड ऑफ होगा। 3.4 में कितने हैं, आप बोलेंगे दो सर। अब देखें, जीरो पहले आ गया तो उसको काउंट छोड़ दो, बाकी को गिन लो, एक दो तीन, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो को छोड़ दो, एक दो तीन चार, सबसे कम कितने हैं, दो, कम से कम हमारे को दो तक इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब वन तक, बाकी को हटाना है, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ का रूल याद है ना, चलो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। भाई देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं ये 2 5 से छोटा है, तो आप बोलेंगे यस सर। रूल क्या था, 5 से छोटा होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, हटा देंगे, बाकी वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ मैं साइड में करवा देता हूँ, 5.1077 5 से बड़ा है, इसको काटेंगे तो एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर 5.11 हो जाएगा। 10 के बाद क्या आता है, 11। 0 के बाद क्या आता है, 1। सीधा सीधा क्या होगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1। देखें अब ये क्या है, 1, ये मैं पूछूं 5 से छोटा है, तो आप बोलेंगे यस सर 5 से छोटा है, काट दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5.1 आंसर। कोई मुश्किल नहीं है भाई, सब आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। वीडियो पूरी शुरू से देखें जिसने स्किप करी है, ताकि उसको भी समझ में आए चीज़। देखें भाई, अब हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही कराऊंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, आप खुद मास्टर हो जाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया एक एक चीज़, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे भी लगता है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। अब मुझे कुछ शक नहीं है कि आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, सब क्लियर हो गया है, और सवाल करेंगे और क्लियर होगा। जितने सवाल करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप माहिर होंगे इसके अंदर, तो ये अपने दिमाग में बिठा लें इस बात को। तो फटाफट अपने सवाल पे चलते हैं, फटाफट जल्दी से करा देता हूँ, कन्वर्जन नहीं है इसके अंदर, सॉल्व करूँगा। कैलकुलेटर हो गया ना आपके पास, डायरेक्ट मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, जो आंसर आए तो वो आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो 2.417 मल्टीप्लाई बाय 8.123 डिवाइडेड बाय 4.956, सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा 3.96151, तो बहुत बड़ा है, मैं लिख देता हूँ सॉल्व। याद रखिएगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा इसको उतारिएगा फिर सॉल्व करिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वल टू डाल के, देखिए क्या आ रही है, 3.916 9 6 1 9 6 1 5 1 9 5 7 2 9 5 7 2। तो ये पूरा है, अब इसको करने में मज़ा आने वाला है भाई, ये बड़ा मिल गया हमारे को, अब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, चलें भाई चलिए, ली रूल याद है, 2 5 से बड़ा, 5 से छोटा है तो काट दो, सिर्फ पूरा का पूरा लिख दो, 1 5 1 9 5 7, 7 5 से बड़ा है, काटो एक नंबर, एक डिजिट बढ़ा दो, तो 3.96151965, 5 क्या, एक आगे बढ़ाएंगे तो 6 होगा, 5 6 5 से बड़ा है, काट दो, 9 को एक नंबर बढ़ा दो, तो 3.96151110। 9 के बाद क्या आता है, आप बोलेंगे सर 10, तो 0 को काट दो, कोई मसला नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ से देखो, 1, ये 1 5 से छोटा है तो इसको भी काट दो, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये वन भी 5 से छोटा है, इसको भी काट दो, इन तीनों को काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलते हैं, आइए इसको आगे लिख देता हूँ, 3.9615। अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि राउंड ऑफ कहाँ रोकना है,
वो तो सवाल से पता चलेगा। तो देख लेते किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। देखें टू से शुरू हो रहा है, सिग्निफिकेंट है, बाकी तो सिग्निफिकेंट हो गए। एक दो तीन चार, चार है, एक दो तीन चार, चार है, एक दो तीन चार, तो मतलब चार तक राउंड ऑफ करना है। एक दो तीन चार मतलब फाइव को हटा दो तो सवाल सॉल्व। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं इसको हटाने। देखें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इससे पहले राउंड ऑफ में कि अगर आखिरी डिजिट, आखिरी लास्ट डिजिट अगर हमारा फाइव हो तो उससे पहले वाला नंबर को हम देख के करते हैं, सही है। फाइव हो तो उससे पहले वाले नंबर अगर ऑड होगा तो एक नंबर फाइव को काट के बढ़ा देंगे, या फाइव से पहले वाला नंबर रिमेनिंग डिजिट वन जैसे अगर वो इवन होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर फाइव को हटा देंगे। तो अब यहाँ पर फाइव से पहले वाला नंबर ऑड है, वन क्या है एक ऑड नंबर है, तो फाइव को जब हम यहाँ से हटाएंगे ना तो यहाँ पर हमारे को वन से एक नंबर बड़ा लिखना पड़ेगा, है ये एक नंबर बड़ा। तो फाइव वन के बाद क्या आता है, बोलेंगे सर टू आता है, तो हो गया ये हमारा क्या है आंसर है, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी अल्लाह के हुक्म से। तो इस पांचवें सवाल को ख़त्म करके फटाफट वीडियो को भी एंड करना है, वीडियो भी बड़ी होती जा रही है। तो अब यहाँ देखें यह हमारा पूरा सम होने वाला है, सही है। अब यहाँ पर याद रखिएगा मैथ का ये रूल है कि अगर ये मल्टीप्लायर है सबके साथ क्या है 10^-4 इसको ऐसे ही रहने दें, क्या करें इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस करते हुए पावर ऐड नहीं होती, दिमाग में रखिएगा बात को। प्लस जब भी होगा पावर ऐड नहीं होगी, बेस सेम पावर ऐड ऐसा नहीं चलता, मल्टीप्लाई में होता है, सही है मल्टीप्लाई में होता है वो। तो अब यहाँ प्लस हो रहा है तो इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस करें 0.03325 0.0025, मैं आपको करता हूँ ना देखें तो 0.0325 प्लस 0.00025 प्लस 6.000 रुक जाएँ 6.00 सॉरी गलती हो गई, तो मैं रिमाइंड कर लेता हूँ 0.0325 प्लस 0.000025 प्लस 6.000। तो हमारा जो आंसर आया है 6.0325 लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको सवाल पहले लिखना है फिर सॉल्व करना है। तो 6.0325 दिख रहा होगा उम्मीद है आप लोगों को। देखें फाइव जब भी आएगा लास्ट डिजिट में तो आपको कंडीशन वही देखनी है कि उससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन। अगर इवन होगा तो हम फाइव को काटने के बाद कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, अगर फाइव से पहले ऑड होगा तो एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। यहाँ फाइव से पहले एक टू है इवन नंबर है तो कुछ काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6.0325 इससे पहले देख लेते हैं कि कितने तक राउंड ऑफ करना है ये इम्पोर्टेंट है, सही है। ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, आगे देखते हैं 3-5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो खुद ही सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सही है। तो 1-2-3 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 5-2-3 ये सिग्निफिकेंट है। 3 यहाँ पर कितने हैं 2 क्योंकि 0 तो हम नहीं काउंट करेंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है। आगे 6 सिर्फ यहाँ पर 1-2-3-4 चार सिग्निफिकेंट फिगर है, याद है ना कि आगे वाले जो जीरोस होते हैं डेसिमल के वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ डेसिमल के आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्यों, क्योंकि इनके पहले वाला नंबर पे कोई ज़ीरो नहीं है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से पहले ज़ीरो से बड़ा होगा ना, ज़ीरो बताए 1 होगा 2 होगा तो बाकी सारे ज़ीरो क्या हो गए राइट हैंड साइड वाले सारे सिग्निफिकेंट होंगे। हमें पता चल गया हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, कितने तक 2 तक, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले में है 2 और 5 है, बस 2 है। अब देखें इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब है इन तीनों को हटाना पड़ेगा। अब फिर आ गया 5, क्या आ गया 5। अब 5 से पहले वाला देखना है, ये तो इवन है वही कंडीशन, 5 को काटो तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो सिंपल लिख दूँ, चलें
क्या आएगा 6.032। टू अब देखें, टू फाइव से छोटा है, यस सर फाइव से छोटा है, आप यही बोलेंगे। तो अगर फाइव से छोटा है ना, तो हम कोई चेंजिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, सिंपल। अब देखें, ये थ्री अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि थ्री फाइव से छोटा है, तो आप बोलेंगे यस सर, कोई चेंजिंग नहीं होगी, काट दें। तो ये बन गया हमारा 6.0, ये हमारा आंसर है, दो सिग्निफिकेंट का लिया है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपका एक एक जो डाउट था वो मैंने क्लियर किया होगा और आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। सो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल के घंटे को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। तो याद रखिएगा, सेकेंड ईयर को भी पढ़ा रहा हूँ और फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक वीडियो बना सकता हूँ, बस ज़्यादा एक एक सब्जेक्ट पर एक ही वीडियो बनती है। तो अब कल इंशाअल्लाह कल फिजिक्स की वीडियो अपलोड होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।